में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिसके बाद पुलिस उनको ढूंढने में जुट गई कार्यवाही करने पर पता चला कि दिल्ली बिहार मुंगेर से उनको बरामद किया गया है जानकारी के मुताबिक बच्ची पहले अपने भाई को लेकर खतौली रेलवे स्टेशन के माध्यम से दिल्ली अपने मामा के पास पहुंची उसके बाद बिहार अपनी मां के पास पहुंच गए जिसके बाद थाना फलाउदा पुलिस ने सफलता प्राप्त की और बच्चों को उनके परिजनों तक पहुँचाया इस बारे में एस देहात अनिरुद्ध सिंह ने दी यह जानकारी आ, दिनांक आठ दो दो हज़ार तेईस को थाना फलाप्दा पर दो बच्चों की गुमसुदगी के संबंध में एफ दर्ज की गई थी आ, एक बच्ची थी आ, खुशी बारह साल की और उसका भाई था दीपांशु जो कि आठ साल का था इस संदर्भ में एफ पंजीकृत की गई थाना पुलिस सक्रिय हुई लगातार सर जगह के कस्बे के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए आ, इसके साथ ही रेलवे स्टेशन बस स्टैंड वगैरह चेक कराए गए थाना पुलिस में इसमें चार टीमें लगी हुई थी दो थाने की टीमें थीं और सर्विलांस की टीम थी एसओजी की टीम लगी हुई थी और बाद में ये बच्चे दिल्ली गए वहाँ से फिर बिहार मुंगेर चले गए इन बच्चों को मुंगेर से उनकी मुंगेर से सफल बरामदगी कराई गई है सकुशल वापसी कराई गई है तो ये थाना पुलिस थाना फलाभदा पुलिस ने इसमें काफ़ी अच्छा काम किया है बच्चों को उनके घर पे वापस कराया है सर किस तरीके से ये यह यहाँ से बिहार तक पहुँचे इतने छोटे बच्चे हैं ये एक अपने आप में सवाल है ये संज्ञान में आया है कि जो बच्ची थी बारह साल की बच्ची जो खुशी है वो खतौली रेलवे स्टेशन के माध्यम से वो दिल्ली पहुंची है दिल्ली में उनके मामा रहते थे और फिर वहां से वो बिहार अपनी माता के पास पहुंच गई है तो इस तरीके से बच्चे बिहार मुंगेर पहुंच गए थे सर क्या बच्चे उनके परिजनों के पास में इस समय बच्चे अपने परिजनों के पास सकुशल लौट आए हैं अभी के लिए इतना ही आप देखते रहिए फास्ट बाइट टीवी दी गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट पार्टी हाउस डेस्टिनेशन वेडिंग साढ़े बारह हजार स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू हर किसी की पहली पसंद निकट नानू की नहर कावड़ मार्ग सरधना मेरठ